हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेट मिक्स मैकाडम, जिसको WMM बोलते हैं। ये एक नॉन ब्यूटीमीनियस लेयर है जो कि हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। DBM लेइंग करने से पहले जो लेयर कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको वेट मिक्स मैकाडम बोलते हैं, WMM लेयर बोलते हैं। तो इसी के ऊपर आज डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू मोर्थ के रिस्पेक्ट में। इसमें डिस्कस करेंगे कि इसको जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, और इस लेयर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए अपन को मशीनरीज क्या यूज़ होते हैं और मेथडोलॉजी क्या है, मटेरियल क्या यूज़ होते हैं, ये सारे डिटेल्स इसमें इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस वर्क सेल कंसिस्ट ऑफ लेइंग, स्प्रेडिंग एंड कंपैक्टिंग क्लीन क्रस्ट ग्रेडेड एग्रीगेट एंड ग्रैनुलर मटेरियल प्री मिक्सड विथ वाटर टू अ डेंस मास ऑन प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड ग्रैनुलर सब बेस इन अकॉर्डेंस विथ क्लॉज 406 ऑफ मोर्थ स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो अपना WMM का लेयर का कंस्ट्रक्शन होता है, वर्क होता है, उसमें लेइंग करने का काम होता है, स्प्रेडिंग करने का काम होता है और कंपैक्टिंग करने का काम होता है। उसको अपन फैलाते हैं, एक समतल बराबर करते हैं, फिर उसको कंपैक्शन करते हैं। और किस चीज़ को कंपैक्ट करते हैं, तो क्लीन क्रस्ट ग्रेडेड एग्रीगेट एंड ग्रैनुलर मटेरियल। जो अपना मटेरियल रहता है वो क्लीन रहना चाहिए, क्रस्ट और ग्रेडेड एग्रीगेट रहना चाहिए। जो ग्रेडेशन अपने को बोला जाता है मेंटेन करने के लिए, वो उसी रिस्पेक्ट में ग्रेडेड रहना चाहिए। एंड ग्रैनुलर मटेरियल, और वो ग्रैनुलर रहना चाहिए, और प्रीमिक्स्ड विथ वाटर, और लेइंग करने से पहले ही उसको पानी के साथ उसको प्रीमिक्स कर लेते हैं। जिस अमाउंट में वाटर यूज़ करना है उसी अमाउंट में वाटर को यूज़ कर लेते हैं पहले ही, प्रीमिक्स्ड वाटर टू अ डेंस मास ऑन प्रिपेयर्ड एंड अप्रूवल ग्रैनुलर बेस। और ये डेंस मास मीन्स हैवी मास में अपन डालते हैं, और किस लेयर के ऊपर डालते हैं, तो अप्रूव्ड ग्रैनुलर सब बेस। अप्रूव्ड ग्रैनुलर सब बेस कहने का मतलब ये है कि जो अपन GSB का लेयर इससे पहले कंस्ट्रक्ट किए रहते वो अपना अप्रूव्ड रहना चाहिए, मीन्स वो पास रहना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए, ताकि अपन उस पर नेक्स्ट लेयर डाल सके। अगर नेक्स्ट लेयर डाल देंगे बिना अप्रूवल का, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना रहता है जब भी अपन इस काम को करते हैं तो। और जो भी इसका डिटेल है वो मोर्थ में 406 क्लज 406 में प्रोवाइडेड है। इसका स्पेसिफिकेशन डिटेल सारी चीज़ यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो अब इसमें जो यूज़ होने वाला मटेरियल है, उस मटेरियल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। एज़ पर क्लज 406.2 ऑफ मोर्थ, द मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेट मिक्स मैकाडम दैट इज़ WMM सेल सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। हर एक लेयर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ मापदंड होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद ही उस मटेरियल को हम उस लेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू सेल नॉट बी मोर दैन 30%। और जो WMM के लिए एग्रीगेट यूज़ करेंगे उसका जो AIV वैल्यू है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है, वो 30% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद कंबाइंड फ्लैकिनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स होता है, सेल नॉट बी मोर देन 35%। और जो इसका कंबाइंड फ्लैकिनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स रहता है वो 35% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू ऑफ एग्रीगेट सेल नॉट बी मोर देन 2%। और जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रहता है जो एग्रीगेट अपन यूज़ करेंगे, उस एग्रीगेट का 2% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और मटेरियल फाइनर देन 4 to 5 micron 425 micron सेल है प्लास्टिसिटी इंडेक्स नॉट एक्सीडिंग 6। मीन्स जो मटेरियल जो यूज़ करेंगे उसका जब सीव एनालिसिस करेंगे, मीन्स ग्रेडेशन करेंगे, तो ग्रेडेशन करने के बाद जो 425 माइक्रोन फाइनर देन 425 माइक्रोन, मीन्स 425 माइक्रोन के सीव से जो भी मटेरियल पास हो जाएगा उसका अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI अपन चेक करेंगे, तो वो 6 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए WMM के लिए। द मिक्स ग्रेडेशन सेल सेटिस्फाई एज पर मोर्थ टेबल नंबर 430। तो ये जो अपना दिया गया है चार्ट है, ये 413 टेबल है मोर्थ का, और इसी को जो है
फॉलो करना रहता है, जो अपना मटेरियल है इस ग्रेजुएशन को पास करना रहता है मटेरियल को, तभी जाके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे ISC 53 mm का जो है परसेंटेज वेट पासिंग, तो 53 mm का जो है तो इसमें 100 लिखा है, मीन्स 53 mm से 100% पासिंग होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है जो अपन एग्रीगेट का साइज़ यूज़ करेंगे WMM के लिए, वो 53 mm से नीचे, मीन्स 53 mm से स्मॉलर साइज़ के ही एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे सीव के अरेंजमेंट है, और इसमें कितना परसेंटेज का पास करना चाहिए मटेरियल वो दिया गया है। तो इसी के रिस्पेक्ट में अपन जो अपना WMM का मटेरियल होता है उसको मिक्स करते हैं और फिर उसको साइड पे लेइंग करते हैं। अब इसका मेथडोलॉजी देखते हैं क्या होता है, इसका मेथड्स क्या होते हैं। बेस ऑफ अप्रूव्ड GSB लेयर सेल बी क्लीन्ड ऑफ ऑल फॉरेन मटेरियल एंड मार्किंग सेल बी डन टू इट्स लेंथ एंड विड्थ। इसके बाद क्या किया जाता है, जो भी अपना GSB का लेयर कंस्ट्रक्ट हुआ रहता है उसको सफाई करके उस पर कोई भी फालतू का जो भी है मटेरियल या कोई भी ऐसा जो ग्रास या कुछ भी ऐसा नहीं रहना चाहिए, सबको हटा दिया जाता है। और उसके बाद जो लेंथ के रिस्पेक्ट में, मीन्स कहाँ से कहाँ, किस चेनेस से किस चेनेस तक अपने को लेइंग करना है उसका मार्किंग, और कितने विड्थ में करना है मार्किंग करने के बाद, उसके बाद उसमें हम डंप करते हैं मटेरियल को और फिर उसमें लेयर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वेट मिक्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लांट सेल बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइट बाई द मीन्स ऑफ इन डंपर्स। जो भी प्लांट में अपन बनाते हैं WMM का मटेरियल वेट मिक्स, जिसको जो है साइट तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन डंपर का यूज़ किया जाए। एज द मिक्स इज टू बी लेड बाई मीन्स ऑफ पेवर फिनिशर मोटर ग्रेडर स्ट्रिंग लाइन सेल बी गिवन एट एज पर मोर्थ इंटरवल्स टू इट्स ग्रेडियंट्स। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो WMM है वो पेवर फिनिशर मोटर ग्रेडर, अगर पेवर फिनिशर से उसको बना रहे हैं या मोटर ग्रेडर से ही बना रहे हैं तो अपन स्ट्रिंग वायर को फिक्स करते हैं। अगर पेवर से है तो अपन स्ट्रिंग वायर देते हैं लेवल, उस पर फिक्स करके बनाते हैं, या अपन को ऐसे नॉर्मली बनाना है तो अपन पेग्स लगा लेते हैं और पेग्स पे जो टेप होता है टेप को चिपका के लेवल दे के और फिर उस बेड को तैयार करते हैं। द मिक्स सेल बी अनलोडेड जेंटली इन टू द पेवर हॉपर एंड पेविंग सेल बी started uniformly. In exceptional cases where it is not possible for the paver to be utilized, machine means like motor grader or paver finisher may be used with prior approval of the engineer. और कहीं कहीं पर क्या होता है, पहले तो मिक्स को अपन को हॉपर में जेंटली डालना रहता है और डालने के बाद उसको फिर पेविंग को स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्मली। और कहीं कहीं एक्सेप्शनल केस में क्या हो जाता है कि वहाँ पे पेवर को यूज़ करना पॉसिबल नहीं रहता है, तो वहाँ पे जो मैकेनिकल मीन्स लाइक मोटर ग्रेडर या पेवर फिनिशर जो रहता है उसको यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करने के लिए जो इंजीनियर रहता है उससे अप्रूवल लेना पड़ता है यूज़ करने से पहले। द मोटर ग्रेडर सेल बी कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग द मटेरियल यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द सर्फेस। और जो मटेरियल जो अपन मोटर ग्रेडर यूज़ करेंगे वो मटेरियल को हर जगह स्प्रेड करने का कैपेबल रहना चाहिए। फॉर पोर्शन वेयर मैकेनिकल मीन्स कैन नॉट बी यूज, मैनुअल मीन्स एज अप्रूव्ड बाई द इंजीनियर सेल बी यूज ओनली इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया। और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है, मोटर ग्रेडर से भी स्प्रेडिंग नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे मैनुअल मीन्स किसी आदमी के थ्रू उसको मीन्स लेबर के थ्रू उसको लेइंग किया जाता है। उसके बाद द लेवल सेल बी चेक्ड जस्ट आफ्टर पेविंग ग्रेडिंग एंड आफ्टर कंपैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन लेवल। इफ देयर इज वेरिएशन इन द लेवल द सेम सेल बी एडजस्टेड इन फर्दर पेविंग। और जैसे ही इसका पेविंग हो जाता है उसके बाद उसका लेवल चेक किया जाता है और उस लेवल को डिज़ाइन लेवल से मैच किया जाता है, और अगर उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है तो उसको सही करना रहता है, अपन को उस चीज़ को एडजस्ट करना रहता है। उसके बाद व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग WMM लेयर प्रॉपर अरेंजमेंट सेल बी मेड फॉर द लेटरल कन्फाइनमेंट ऑफ वेट मिक्स। लेटरल कन्फाइनमेंट ऑफ वेट मिक्स, जो भी वेट मिक्स रहता है उसका जो है मिक्स प्रॉपर है कि नहीं उसके लिए अपने को अरेंजमेंट करके रखना पड़ता है। इफ़ देर इज़ एनी सेग्रीगेशन आफ्टर स्प्रेडिंग ऑफ पेविंग द सेम सेल बी रेक्टिफाइड बाय स्प्रेडिंग फाइनर्स बिफोर रोलिंग। और अगर कहीं पे सेग्रीगेशन आ रहा है, मीन्स कहीं पे बस एग्रीगेट है, उसमें फिलर जो कि अपना उसमें जो कि
डस्ट रहता है, अगर वो डस्ट नहीं आ रहा है वहाँ पे, सेग्रीगेटेड है मटेरियल, तो वहाँ उसको रोलिंग करने से पहले उसमें जो है रेक्टिफाइड बाय स्प्रेडिंग फाइंस, जो भी उसमें सैंड या सैंड नहीं, उसमें डस्ट का यूज होता है, डस्ट डाल के उसको रोलिंग करने से पहले उस सेग्रीगेशन को हटाया जाता है, फिर रोलिंग कराया जाता है। इन आइदर केस द रोलिंग सेल बी कैरीड आउट फ्रॉम लोअर एज टू अपर एज विद 8 to 10 ton स्मूथ व्हील्ड वाइब्रेटरी रोलर एट द स्पीड नॉट मोर देन 5 km/h। तो ये जो है 8 to 10 ton वाइब्रेटरी रोलर को यूज़ करके इसमें वाइब्रेशन किया जाता है, और वाइब्रेशन जो है वो स्टार्ट होता है लोअर एज से अपर एज। उसके बाद रोलिंग सेल बी कंटिन्यूड अंटिल, रोलिंग सेल बी कंटिन्यूड अंटिल देर आर नो टायर इम्प्रेशन और ड्रम इम्प्रेशन ऑन द सरफेस एंड स्पेसिफाइड फील्ड डेंसिटी आर अचीव्ड। ये रोलिंग तब तक करना है जब तक कि उसमें टायर का निशान नहीं हट जाए या ड्रम का निशान है, तब तक उसमें करते ही रहना है, जब तक हट ना जाए तब तक करना है, और डेंसिटी जो अपने को अचीव करना है वो डेंसिटी भी अचीव हो जाए तब जाके जो रोलिंग को बंद करना है। उसके बाद द सरफेस सेल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वैकुलर मूवमेंट अंटिल कवर्ड विद एस्फाल्ट लेयर आफ्टर फाइनल कंपैक्शन ऑफ द WMM लेयर द सेम सेल बी अलॉटेड टू ड्राई फॉर 24 आवर। और इसमें बोला जा रहा है कि सरफेस को जो है, जो अपना WMM का टॉप सरफेस रहता है, उसको वैकुलर मूवमेंट उस पर नहीं होने देते हैं जब तक कि उसमें एस्फाल्टिक लेयर नहीं डल जाता है, जब तक उसमें DVM नहीं हो जाता तब तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं करवाते हैं, और उसको कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसमें 24 आवर उसको छोड़ दिया जाता है ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए। उसके बाद ही उसमें अपन प्राइमिंग, प्राइम कोट करते हैं, फिर टेक कोट करते हैं, फिर उसके बाद उसमें DVM करते हैं। द सरफेस सेल बी ब्रस्ट और ब्रूम्ड टू लूज डस्ट पार्टिकल्स अंटिल रफ टेक्सचर इज एक्सपोज्ड। और जब उसमें, जब भी अपन जब प्राइमिंग करना रहता है अपन को, प्राइमिंग करने से पहले उसमें ब्रश और ब्रूमर, ब्रूम्ड मतलब ब्रूमर होता है, एक मशीन आता है ना, उसका वीडियोस है हमारे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं, ब्रूमर को यूज़ करते हैं, और ब्रूमर यूज़ करने के बाद जो भी उसमें लूज डस्ट है उस लूज डस्ट को हटाते हैं जब तक उसमें रफ टेक्सचर नहीं आ जाता, मीन्स एग्रीगेट का जो सरफेस है वो नहीं दिखने लगता है, तब तक उसमें ब्रूमिंग करते हैं, डस्ट को ऊपर से हटाते हैं, और इसको हटाने के लिए ब्रूमर का यूज़ करते हैं अपन। उसके बाद द सरफेस सेल बी प्राइम्ड विथ अप्रूव्ड प्राइम कोट मटेरियल एट द रेट ऑफ 7 to 10 kg पर 10 m², पर 10 m² के लिए 7 to 10 kg जो प्राइम कोट है, अप्रूव्ड प्राइम कोट को अपन स्प्रे कर सकते हैं। लेइंग ट्रायल टेस्ट सेक्शन सेल बी कैरीड आउट ऑन अ सूटेबल एरिया as approved by the engineer for confirming performance of the mix design and density, the area of the laying trial shall be minimum 100 m². ये जो भी अपन को टेस्टिंग करना रहता है as per the design, उसके लिए अपन टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद अब इसका क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल फॉर द above work shall be as per table 903 of MoRTH WMM curing at least 24 hour, जो कि पहले आपको बता दिया, उसको ड्राइंग के लिए 24 आवर छोड़ते हैं। द कंपैक्टेड सरफेस सेल बी चेक फॉर फील्ड ड्राई डेंसिटी, फील्ड डेंसिटी एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 test per 1000 m², पर 1000 m² पे एक टेस्ट किया जाता है। उसके बाद द डिग्री ऑफ कंपैक्शन सेल नॉट बी लेस द 98% ऑफ MDD, जो उस मटेरियल का MDD होगा उसके 98% डेंसिटी जो है अपने को फील्ड पे अचीव होना चाहिए, उससे कम नहीं, तभी जाके वो बेड फुल्ली कंपैक्टेड है और वो बेड पास हो पाएगा। उसके बाद द सरफेस सेल बी चेक्ड फॉर लेवल एज पर MoRTH इंटरवल्स लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली एंड सेम सेल बी विथ इन प्लस माइनस 10 mm, और उसका लेवल भी एवरी 10 m इंटरवल पे चेक किया जाएगा, और उसका जो लेवल का जो डिफरेंस डिज़ाइन लेवल से 10 mm ही रहना चाहिए, प्लस माइनस 10 mm जो टॉलरेंस में आ जाता है तभी इस चीज़ को टॉलरेट किया जाएगा, नहीं तो इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उसके बाद सरफेस इरेगुलरिटीज सेल बी चेक्ड एज पर MoRTH क्लॉज 900, जो उसमें सरफेस इरेगुलरिटीज़ है उनको भी चेक किया जाता है, क्योंकि अब वो एक अपना फाइनल बेस हो जाता है, उसके ऊपर जो अपना है DVM का लेइंग होना है, तो अगर उसमें कुछ ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं, अंडुलेशंस हैं, तो वो अपना DVM में भी दिखेगा, इसलिए इसको ज़्यादा
ध्यान दे के कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये सारे चीज़ जो हैं ये WMM के डिटेल थे, WMM के मेथोडोलॉजी थे, और इसमें जो मशीनरीज़ का बात है, मशीनरीज़ क्या सब यूज़ होगा तो इसमें ये नहीं है, तो हम आपको बता दें मशीनरीज़ क्या सब यूज़ होता है। सेम वही है, एक अपने को रोलर मीन्स कंपैक्टर चाहिए, कंपैक्टर के बाद एक ग्रेडर चाहिए, एक टैंकर चाहिए रहता है पानी के लिए, बस और कुछ नहीं, और अपना सर्विंग किट तो कंपलसरी है, तो इससे ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट जो है वो प्राइम कोट और टेक कोट का वीडियो मिलेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अगर कोई भी इसमें डाउट है और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।